नमस्कार प्यारे बच्चों, तो फिर स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स का अगला लेक्चर। पिछले लेक्चर आपने पढ़ा था बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है, और जो है अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भाई कैसे कैसे हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट अप्लाई करते हैं। तो आपको बताया गया था कि जैसे ए और बी आपस में रिएक्ट करता है, तो अपन सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट बी कर दो, बराबर हो जाता है। फिर आपको कॉन्सेप्ट बताया गया कि अगर मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी हो, और अगर ये ए बी सी तीनों आपस में रिएक्ट करते हो, तो सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, तीनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देंगे। फिर आपको अगला कॉन्सेप्ट बताया गया कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी आपस में रिएक्ट ना कर रहे हो, लेकिन सी दोनों से रिएक्ट कर रहा हो, तो फिर उस केस में क्या करते हैं हम कि ए के ग्राम इक्विवेलेंट प्लस बी के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू करते हैं सी के ग्राम इक्विवेलेंट। क्या इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए। तो जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आया कि एक कंटेनर है टू मोल्स ईच ऑफ Fe2O4 एंड Fe2C2O4 होल थ्राइस, यानी कि एक कंटेनर में दो मोल्स फेरस ऑक्सिलेट और दो मोल फेरिक ऑक्सिलेट है। क्लियर? दो मोल्स फेरस ऑक्सिलेट हैं, दो मोल फेरिक ऑक्सिलेट हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ KMnO4 शुड बी एडेड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? हाउ मैनी मोल्स ऑफ KMnO4 शुड बी एडेड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर ये क्वेश्चन है तो देखिए KMnO4 क्या करेगा। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब KMnO4 क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। अच्छा, अब ये हुआ, ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा? तो अगर हम ये बात करें कि KMnO4 किसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो बात जरा समझिएगा कि अगर अपन ये बात करें कि यार KMnO4 किसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो ऑक्सीडाइज हो सकता होगा उसे ऑक्सीडाइज करेगा। तो आप देखिए क्या है कि यहां फेरस ऑक्सिलेट, यहां Fe है प्लस टू में ऑक्सिलेट है, यहां Fe प्लस थ्री में है ऑक्सिलेट है। तो प्लस टू वाला तो ऑक्सिलेट होगा, प्लस टू वाला तो ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन प्लस थ्री वाला कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि वो हायर ऑक्सीडेशन नंबर में। यानी एक प्रकार से यह समझ में आया कि जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 होंगे वो बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन क्या है? ये हमेशा CO2 में ऑक्सीडाइज होता है, हमेशा, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां अगर इसके एक्स मोल मान लें तो इसका एन फैक्टर क्या होता है? 5। KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5, बेसिक मीडियम में 1, न्यूट्रल मीडियम में 3। लेकिन अगर मीडियम मेंशन ना हो तो हम हमेशा एसिडिक मीडियम मानते हैं और एन फैक्टर 5 लेते हैं। क्या कहानी क्लियर? तो X(5)2, आप देखिएगा Fe+2, Fe+2 कहाँ? यहाँ। तो दो मोल इसके पूरे के हैं तो Fe+2 के दो होंगे और उसका एन फैक्टर 1 होगा। क्यों? प्लस टू प्लस थ्री में जाएगा तो एन फैक्टर 1 होगा प्लस। अब देखिए यहां इस पूरे का 2 है तो इससे ऑक्सिलेट का भी 2 आएगा, और यहां इस पूरे का 2 है तो ऑक्सिलेट का 6 हो जाएगा, 3×2, तो 2+6, ये ऑक्सिलेट के मोल हुए, ऑक्सिलेट का एन फैक्टर 2 होगा। 2 क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सिलेट हमेशा, जो ऑक्सिलेट है वो CO2 में चेंज होता है, तो यहां +3 से +4 में तो चेंज आएगा 1 का, और C2 है तो 2 का हो जाएगा। तो इससे आ जाएगा आपका 18, तो X(5), तो X का वैल्यू आ जाएगा 18/5, यानी KMnO4 के कितने मोल की जरूरत पड़ेगी? 18/5। क्या कहानी समझ में आ रही है? आसान है, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो दोबारा बोल दीजिए। अच्छा, सेम क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसा होता कि इसी क्वेश्चन में ऐसे बना दें कि भाई
टू मोल्स ईच ऑफ Fe2C4 एंड Fe2C2O4 होल थ्राइस होता, और कहता है इसमें कितना मोल्स K2CR2O7 मिला दिया जाए। क्या मिला दिया जाए? K2CR2O7, जिससे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, x मोल अगर K2CR2O7 मिला दें तो K2CR2O7 का इनफैक्टर क्या होता है? 6। तो इज इक्वल टू सेम कॉन्सेप्ट, 2 × 1 प्लस 8 × 2। हेलो, इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा। क्लियर, कहानी समझ में आ गई? तो ये बेसिकली क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि भाई आपको रिडॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। रिडॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन किससे रिएक्ट कर रहा है। बस अगर अपने को ये समझ में आ जाए कि कौन किससे रिएक्ट कर रहा है, हो गया काम। क्या भाई, कहानी समझ में आई? देख लीजिए, क्या बात समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही भाई, कैसे कैसे करना है? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, क्लियर, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। आपको लगता है कुछ नहीं कि आप सोचो इसमें कोई बहुत भारी चीज है, तो कोई ऐसी चमत्कार नहीं है इसमें। अगर हम ये बात करें कि टाइट्रेशन क्या है, तो देखिए टाइट्रेशन में क्या होता है, कैसे हम टाइट्रेशन करते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इस तरह का जो सिस्टम है, ये आपने सब, अगर कभी आप लैब गए होगे तो सबने आपने ये सिस्टम देखा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये है ब्यूरेट। क्या होता है? ब्यूरेट। अच्छा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दे, एक होता है ब्यूरेट, एक होता है पिपेट। पिछले बार क्वेश्चन आया था पिपेट से, तो ब्यूरेट क्या होता है और पिपेट क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें कि ब्यूरेट क्या होता है, पिपेट क्या होता है, तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट इसमें है कि एक इसमें टाइट्रेशन में एक टर्म आएगा, ध्यान सुनिएगा, क्या टर्म आएगा? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है द सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलारिटी अपने को पता होती है, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलारिटी अपने को पता होती है, उसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमेशा ब्यूरेट में लिया जाता है। ये ब्यूरेट है आपका, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये अपना फ्लास्क रख दिए, क्लियर। इस फ्लास्क में जिसकी भी आपको मोलारिटी, वॉल्यूम, परसेंटेज निकालना है, यानी अननोन सॉल्यूशन रखते हैं। और यहाँ ब्यूरेट में, यहाँ पे आप देखे होंगे लैब में, यहाँ रीडिंग लिखी होती है, क्लियर। तो यहाँ पे अपन ब्यूरेट में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रखते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसकी मोलारिटी अपने को पता है। साथ ही साथ इसमें मिलाते हैं इंडिकेटर। क्या मिलाते हैं? इंडिकेटर। अब ये हुआ कि यार ये इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका क्या पर्पस होता है, इंडिकेटर का पर्पस क्या होता है? एंड पॉइंट लाना। एंड पॉइंट लाने का मतलब क्या है? कलर चेंज करता है। सब लोग लैब में अगर गए होंगे तो होता क्या है, मान लीजिए कि यहाँ एसिड है और ये बेस है, तो इंडिकेटर क्या होता है, हर मीडियम में
इसका डिफरेंट कलर होता है, एसिडिक मीडियम में अलग कलर, बेसिक मीडियम में अलग कलर। अगर हम इसको फिनोफ्थिलीन ले लें तो इतना आइडिया थोड़ा मोड़ा होगा कि फिनोफ्थिलीन का पीएच जो रेंज होता है वो 8 से 10 के बीच में होता है, ठीक है। बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर का होता है और एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है। बेसिक मीडियम में पिंक कलर का और एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है। सो अगर अपन ये बात करें कि यहाँ एक मान लीजिए एसिड है, सपोज ये क्या है, एसिड है। अगर ये एसिड है और ये बेस है, क्लियर, तो एसिडिक मीडियम में ये किस कलर का होगा, कलरलेस होगा। किस कलर का होगा, कलरलेस। अच्छा अगर ये कलरलेस है, ऊपर से क्या करते हैं हम लोग, इसमें बेस मिलाते हैं, धीरे धीरे बेस मिलाते हैं और जब इसका कलर पिंक हो जाता है तो अपने को समझ में आ जाता है कि रिएक्शन हो गई। इसी को बोलते हैं एंड पॉइंट। एग्जैक्टली में जो टाइट्रेशन है उसमें क्या होता है, दो प्रकार के पॉइंट होते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट एक होता है और एक जो है एंड पॉइंट होता है। अभी हुआ कि इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जिसमें इसके मिली इक्विवेलेंट और इसके मिली इक्विवेलेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं। लेकिन जब दोनों के मिली इक्विवेलेंट एक्जैक्टली इक्वल होंगे इसका मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलर चेंज का कोई लॉजिक नहीं है, कलर चेंज होगा ही नहीं। तो कभी भी अगर आप एक्सपेरिमेंटली इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करोगे तो एक्सपेरिमेंटली इक्विवेलेंस पॉइंट को आप नहीं बता सकते। एक्सपेरिमेंटली केवल क्या पता चलता है अपने को, एंड पॉइंट। अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटली तो एक्सपेरिमेंटली अपने को केवल एंड पॉइंट ही पता चलता है। तो एंड पॉइंट का मतलब होता है कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड। इसमें क्या होता है, अपने को कलर चेंज मिलता है। तो कलर चेंज से अपने को समझ में आता है कि रिएक्शन हो गई। तो देखो थ्योरेटिकली इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होते हैं, सेम, लेकिन प्रैक्टिकली एक ड्रॉप का फर्क होता है। क्योंकि जैसे ये न्यूट्रल हुआ उसके बाद एक आपने एक ड्रॉप बेस की डाली, खट से बेसिक हो गया वो कलर चेंज। बट एक ड्रॉप आप मेजर नहीं कर सकते। क्यों मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि लीस्ट काउंट जो है उसका ब्यूरेट का 1 ml है, तो आप निकाल ही नहीं सकते। इसलिए थ्योरेटिकली एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट सेम होते हैं। बट अगर तुमसे कोई पूछे क्या इक्विवेलेंस पॉइंट को एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, तो अपन कहेंगे एक्सपेरिमेंटली हम इक्विवेलेंस पॉइंट को निकाल नहीं सकते। क्या कहानी समझ में आ रही, इक्विवेलेंस पॉइंट को आप एक्सपेरिमेंटली निकाल नहीं सकते, क्लियर है। एंड पॉइंट जैसे ही कलर चेंज होगा आ गया, इसका मतलब देखो एंड पॉइंट पे क्या होता है, देखो एट इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही चीज है दोनों, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो होगा वो बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस के। ये लो समझ में आया, टाइट्रेशन क्या पहले पढ़ाते कि अगर कभी भी दो रिएक्ट करता है दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर, वही तो हो रहा है तुम्हारे सामने। टाइट्रेशन कुछ ऐसा कोई खास नहीं होता, बोले इंडिकेटर का क्या रोल, इंडिकेटर का न्यूमेरिकल में कोई रोल नहीं। देख लो मिलीक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिलीक्विवेलेंट ऑफ बेस आ गया, ये हो गया एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हो तो एसिड बेस रिएक्ट किए तो एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया। देख लो अच्छा बात कर रहे थे पिपेट क्या होता है, ब्यूरेट तो समझ में आ गया। ब्यूरेट में हमेशा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया जाएगा। पिपेट क्या होता है, पिपेट अगर आपको याद हो जैसे 25 ml सॉल्यूशन लेना है तो नापते कैसे, याद करो मुंह से खींचते हैं 25 ml, वो होता है पिपेट। मुंह से खींचे और फ्लास्क में डाल दिए, जिससे खींचते हैं ऑपरेटर से वो होता है पिपेट, क्लियर। ओके तो ये हो गया। तो जैसे अपन नाम से बात करें कि भाई एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन का मतलब क्लियर हो गया, एसिड का टाइट्रेशन बेस के साथ होगा इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल इंडिकेटर एंड एट द एंड पॉइंट मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस कर देंगे, बराबर आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, एसिड बेस टाइट्रेशन और कुछ भी नहीं होता है, क्लियर। जैसे मान लो क्वेश्चन आया
इसका मतलब क्या होगा, एट द एंड पॉइंट मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक बोलता है 70 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्स्ड विद 500 ml ऑफ वाटर। क्लियर, द 50 ml ऑफ सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड बेद 100 ml ऑफ 0.05 मोलर H2SO4 फॉर द H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सुइटेबल इंडिकेटर डिटरमाइन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चेक करें क्वेश्चन, देखो 70 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्स विद 500 ml ऑफ वाटर, द 50 ml ऑफ सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज विद 100 ml 0.05 मोलर H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सुइटेबल इंडिकेटर डिटरमाइन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप बात समझिए, क्वेश्चन समझिए और सॉल्यूशन समझिए क्या हुआ। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 70 ग्राम तो सैंपल लिया, 70 ग्राम सैंपल को 500 ml वाटर में मिला दिया, यानी कि 70 ग्राम 500 वाटर में मिक्स हो गया। फिर आपने उससे 100 ml निकाल लिया, कितना निकाल लिया 100 ml। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप करो वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ml सॉल्यूशन इज इक्वल टू आएगा 70 डिवाइड बाय 500 इनटू 100, यानी 70 बाय 5 ग्राम सैंपल आया। सैंपल है भाई, प्योर नहीं है, ये आ गया। अच्छा, इसका न्यूट्रलाइजेशन हमने किससे किया, H2SO4 से, यानी कि क्या करिएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो न्यूट्रलाइज होता है वो प्योर प्योर होता है, इंप्योरिटी से कोई लेना देना नहीं, इक्वल टू आएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। अच्छा, मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, वॉल्यूम कितना है इसका 100 ml, मोलारिटी है 0.05, n फैक्टर हो जाएगा 2। चेक करो, तो यहां से आ जाएगा 10 मिली इक्विवेलेंट, ये देखो, चेक कर लो भाई, क्लियर। अच्छा, इसका मतलब कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आया वो तो 10 आ गया मिली इक्विवेलेंट। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर कितना है 2, तो यहां से आप मिली मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर निकालो, मिली मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू आ जाएगा 10/2 5, सो मोल्स कितना होगा, ये आ जाएगा 5×10⁻³। चेक कर लो भाई, कोई डाउट हो तो अभी बोल दो, क्लियर। तो वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू आएगा 5×10⁻³×74, ये देखो इतना ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया प्योर। अच्छा, सैंपल का वेट कितना था 70/5, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगी, दिमाग लगाओ, परसेंटेज प्योरिटी इसका मतलब कि 70/5 में इतना ग्राम प्योर है तो 100 में कितना होगा, तो 5×10⁻³×74
दिस डिवाइड बाई 70 बाई 5 इंटू 100, ये देखो चेक कर लो, क्लियर है? कोई डाउट हो तो देख लो। अब इसको आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। हमने कोई डाटा ऐसे ही लिख दिया, देख लो, तो सॉल्व करके आप देखिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या आना चाहिए। तो लगभग जो है ये कैंसिल हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 10^-1, लगभग जो है 2.7-2.8% आएगा। क्लियर है भाई? आंसर निकाल लोगे ना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कहानी समझ में आ गई? तो ये जो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। कहानी क्लियर? देख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या कहानी समझ में आई? तो आपको समझ में आया कि भाई एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कैसे होता है। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे बैक टाइट्रेशन, अभी वो यार ये बैक टाइट्रेशन क्या है, नाम ही से क्लियर है, दोबारा। बैक टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, दोबारा, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई रिएजेंट ए है, ए कोई रिएजेंट है, अननोन रिएजेंट, जिसका हमें परसेंटेज प्योरिटी निकालना है, जिसका हमारे को परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। अगर अपने को इसका परसेंटेज प्योरिटी निकालना है तो ध्यान सुनो, इसका रिएक्शन किसी बी रिएजेंट से कराइए। थैंक यू स्टूडेंट्स इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा, वो भी एक्सेस में हो। यानी इन दिस टाइट, ध्यान सुनिएगा, इन दिस टाइट्रेशन द अननोन वैल्यू ऑफ द रिएजेंट ए इज टाइट्रेटेड विद एक्सेस ऑफ सुटेबल रिएजेंट बी। क्लियर? देख लो। अच्छा, जब इसका इसमें भी लाए तो ए तो पूरा खत्म हो गया होगा, क्या बी बच गया होगा? यानी अगला टाइट्रेशन जो होगा वो यहां क्या हो गया, बी हो गया, और इसका टाइट्रेशन सी से, और सी है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब समझो इसका क्या है, द अननोन वैल्यू ऑफ द रिएजेंट ए इज टाइट्रेटेड विद suitable reagent B excess amount में, and the resulting solution is again titrated with standard solution of C in the presence of suitable indicator। अब सोचो इसका मतलब हमारे को किसके मिलीक्वेंट पता चलेंगे titration में, C के। अच्छा, total B कितना मिलाए थे आपको पता है, तो मतलब समझिए, पहले समझ लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, गड़बड़ मत करना। लिख देते हैं, इन दिस टाइट्रेशन द अननोन वैल्यू ऑफ रिएजेंट ए
इज टाइटेटेड विद एक्सेस अमाउंट ऑफ suitable reagent B. Suitable reagent B. The resulting solution is again titrated with स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सुटेबल रिएजेंट सी एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट द नोन वैल्यू ऑफ रिएजेंट कैन बी कैलकुलेटेड. कैसे समझिए क्या क्या गिवन है आप ध्यान दीजिएगा. टोटल मिलीक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू एक्स है. ये कौन सा टोटल बी है जो बी आप एक्सेस में लाए थे. मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी जो है वो वाई है मान लीजिए. अच्छा जो वाई है ये है क्या, ये किससे रिएक्ट करेगा समझना. बी तो आपने एक्सेस में लाया था तो ए तो पूरा खत्म हो गया. जब बी मिलाए तो ए पूरा खत्म, बी बच गया. अच्छा बचे हुए बी से ही तो सी रिएक्ट कर रहा है. इसका मतलब कि जो मिलीक्विवेलेंट ऑफ सी है ये किसके बराबर है. दिस इज इक्वल टू मिलीक्विवेलेंट ऑफ रिमेनिंग बी. ये देखिए मिलीक्विवेलेंट ऑफ रिमेनिंग बी यानी जो सी के मिलीक्विवेलेंट है वो रिमेनिंग बी के बराबर है. क्लियर. अच्छा टोटल आपने कितना बी मिलाया था, एक्स, तो बचे हुए कितने हैं, वाई. तो अगर x में से y हटा दें तो वो मिलीक्विवेलेंट आ जाएंगे जो a से रिएक्ट किए. यानी मिलीक्विवेलेंट ऑफ a जो होगा वो आएगा टोटल मिलीक्विवेलेंट ऑफ b माइनस रिमेनिंग मिलीक्विवेलेंट ऑफ b यानी कि x माइनस वाई. अच्छा जो x माइनस वाई आया ये किसके बराबर होगा ये भी समझो. ये बराबर होगा मिलीक्विवेलेंट ऑफ a. ये लो क्या a का मिलीक्विवेलेंट आ गया. और a का मिलीक्विवेलेंट आ गया तो सब आ गया क्योंकि a का मिलीक्विवेलेंट आ गया तो a का n फैक्टर पता होगा तो n फैक्टर से डिवाइड करिएगा तो a का मिलीमोल आ जाएगा. 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो मोल आ जाएगा. बोलो मोल आ गया. फिर वेट परसेंटेज जो निकालना है निकाल लीजिए. देख लीजिए ये है बैक टाइटेशन. क्लियर. अब इसमें एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. अब देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन समझिए. एट्टी ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्स्ड विद 200 ml of water. ml of this solution is titrated with 100 ml of 0.15 molar H2SO4. The resulting solution,
the resulting solution is again titrated with हंड्रेड एम एल ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन डिटरमाइन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए क्वेश्चन, ये जो आप देख रहे हो ये क्वेश्चन है बैक टाइट्रेशन का। अभी कैसे बैक टाइट्रेशन का समझिए, आपके पास पहले क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने वाटर मिलाया, वाटर से कुछ ml निकाला, जनरली इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं इसलिए अपन बार बार उस तरह क्वेश्चन करते हैं। फिर उसमें हमने H2SO4 मिलाया। अच्छा, H2SO4 मिलाने के बाद क्या कह रहा है, जब आपने H2SO4 मिलाया तो H2SO4 मिलाने के बाद कह रहा है उसमें फिर हमने क्या मिलाया NaOH। इसका मतलब कि जितना H2SO4 मिलाए थे वो पूरा का पूरा खत्म नहीं हुआ, बचा होगा, तभी तो बाद में बेस से रिएक्शन कर रहा है। क्लियर, इसका मतलब बैक टाइट्रेशन हो गया। कहानी क्लियर। देखो तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इसमें वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सैंपल इन 50 ml पहले ये निकाल लो कितना है, जिससे हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें वेट पता होना चाहिए। तो 50 ml में कितना होगा, 80/200 × 50। चेक करो कितना आएगा, चेक करो। क्लियर भाई, तो यहां से 20 ग्राम, यानी अपनी जो रिएक्शन हो रही है ना 20 ग्राम सैंपल से हो रही है, तो हमें 20 ग्राम से मतलब है। क्लियर, अब देखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना मिलाए हैं आप, ये मिलाए हैं आप 100 ml 0.15 मोलर, तो 100 × 0.15 × 2 n factor। क्लियर, तो यहां से कितना आएगा देखो, चक्कर लो भाई। क्लियर, तो यहां से आ जाएगा 30 ml इक्विवेलेंट। देखो 30 ml इक्विवेलेंट है। अब 30 ml इक्विवेलेंट क्या किया होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया होगा, लेकिन बाद में फिर NaOH मिला रहा हूं, इसका मतलब कि H2SO4 बचा होगा कुछ। अच्छा कितना बचा होगा वो कैसे निकालेंगे, देखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH निकालोगे तो ये बराबर आएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 रिमेनिंग, तो दिस इज इक्वल टू कितना है 100 × 0.1 × 1 10, यानी 10 मिली इक्विवेलेंट NaOH का यूज हो रहा है, इसका मतलब 10 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 बचा होगा। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 यूज्ड फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू, टोटल था 30 में से 10 बच गया है, यानी कि 20 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा 20। देख लीजिए, क्लियर, बस अब आंसर आ गया। मिली मोल्स कितना हो जाएगा, ये हो गया 20/2 10। देखो तो मोल्स कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻³। वेट कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻³ × 74। परसेंटेज प्योरिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये आप देखो कि ये 0.74 ग्राम जो आ रहा है आपका, 0.74 आ रहा है, ये कितने में है, 20 ग्राम सैंपल में, यानी कि 0.74/20 × 100। ये देख लीजिए, क्लियर है, देख लो भाई कहानी समझ में आ रही है। तो 7.4/2 3.7%, देख लो इतना ही आएगा ना, 10 10, और ये आ गया 7.4 6, हाँ ठीक, 3.7%। क्लियर, ये है बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन।
आपको लोग रहोगे तो बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है, जल्दी जल्दी लिखोगे तुरंत हो जाएगा। हम तो डिटेल में एक एक चीज बताई गई है आपको, समझ में आया भाई? बैक टाइटेशन, ये है बैक टाइटेशन। क्या भाई समझ में आया? बैक टाइटेशन क्लियर हुआ? अब आगे हम लोग बात करते हैं आयोडी एंड आयोडो मैट्रिक टाइटेशन। आयोडी एंड आयोडोमेट्रिक टाइटेशन, इसी को कुछ कहीं कहीं आयोडोमेट्री लिखा होता है, आयोडीमेट्री आयोडोमेट्री टाइटेशन, तो दोनों सेम चीज़ है। देखिए क्या होता है कि इसमें से एक टाइटेशन जो है वो डायरेक्ट टाइटेशन है विद आई टू के साथ, एक क्या है डायरेक्ट टाइटेशन विद आई टू, और एक है इनडायरेक्ट टाइटेशन विद आई टू। अभी वो डायरेक्ट टाइटेशन विद आई टू क्या है और इनडायरेक्ट टाइटेशन विद आई टू क्या है, तो देखो समझ में आ गया? तो इसका मतलब आईओडी क्या है डायरेक्ट टाइटेशन विद आई टू। तो इसमें क्या होता है कि जो अननोन वैल्यू है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से रिएक्ट कर लेते हैं। कैसे? सबसे पहले आईओडी मेट्री टाइटेशन इसमें क्या होता है कि आई टू का रिएक्शन ये देखो, तो सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ आई टू का वैल्यू हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ एन ए टू एस टू ओ थ्री, बस सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये आईओडी आ गया। क्या भाई आईओडी समझ में आया? आईओडी मेट्री टाइट्रेशन। अब आता है आयोडो मेट्री टाइट्रेशन क्या होता है। तो देखो अगर अपन बात करें कि यार आयोडोमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है, सो देखो आयोडोमेट्री टाइट्रेशन, आयोडोमेट्री टाइट्रेशन में क्या होता है कि इस टाइट्रेशन में जो अननोन वैल्यू है उसको एक्सेस ऑफ के आई से रिएक्ट करते हैं। यानी जैसे मान लिए FeCl3 की परसेंटेज प्योरिटी आपको निकालना है, तो इससे रिएक्शन कराए पहले Ki से, वो भी Ki एक्सेस में होना चाहिए, जिससे मिलेगा KCl प्लस I2 प्लस FeCl2, यानी ये ऑक्सीडाइज ये रिड्यूस। अच्छा, जो I2 लिबरेट हुई इस I2 का टाइट्रेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसी भी सुटेबल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से करा देंगे, लाइक इसका रिएक्शन ये आ गया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड था, इसका मतलब इसके मिलीक्विलेंट अपने को पता थे, तो इसके मिलीक्विलेंट बराबर इसके मिलीक्विलेंट, अच्छा इसके बराबर तो इसके बराबर, इसके बराबर तो इसके बराबर, यानी FeCl3 के एक मिलीक्विलेंट आ गए, और एक बार FeCl3 के मिलीक्विलेंट आ गए तो आंसर तुरंत आ जाएगा। यानी देखो मिलीक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 इज इक्वल टू मिलीक्विलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू मिलीक्विलेंट ऑफ FeCl3। क्या एक बार FeCl3 के मिलीक्विलेंट आ गए, इसका इनफैक्ट 1 होगा, तो इसके मिलीमोल आ गए, 10 पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका मोल आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करिएगा इसका वेट आ जाएगा, आंसर आ गया। क्लियर? अब इसमें इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है वो अभी आप समझेंगे।
देखिए यहाँ हमने जो यूज किया है उसको समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे I2 है, I2 आप देखे होंगे दो रिएक्शन में यूज हो रहा है, फर्स्ट में भी सेकंड में भी, और हमने क्या किया कि सेकंड रिएक्शन के मिलीक्वलेंट निकाल के क्या उसको हमने फर्स्ट के बराबर कर दिया, यानी क्या दोनों में I2 के मिलीक्वलेंट हमने बराबर किए हैं, क्या ये सही है, क्या ये हमेशा होगा, नहीं, इसमें तो सही है बट हमेशा होगा इसकी गारंटी नहीं है। अब वो या फिर समझो क्या करना है, अगर कोई रिएजेंट एक से ज्यादा रिएक्शन में यूज हो रहा है, इफ अ रिएजेंट इज यूज्ड इन मोर देन वन रिएक्शन, इफ अ रिएजेंट इज यूज्ड इन मोर देन वन रिएक्शन, रिएक्शन देन मिली इक्विवेलेंट ऑफ द रिएजेंट विल बी इक्वल इन बोथ रिएक्शन ओनली वेन द एन फैक्टर ऑफ द reagent n factor of the reagent is same in both the reaction. Check karo. If a reagent is used in more than one reaction, then milliequivalent of the reagent will be equal in both reaction only when the n factor of the reagent is same in both the reaction. Matlab agar koi reagent ek se zyada reaction mein use ho raha hai तो दोनों रिएक्शन में मिली इक्विवेलेंट तभी बराबर होंगे जब उस रिएजेंट का एन फैक्टर दोनों में सेम हो। जैसे इसमें देखो, इसमें 0 से -1 चेंज आएगा, 1 का I2 है तो एन फैक्टर 2 आएगा। चेक करो, यहां आप देखो, यहां 0 है और यहां -1 है, यहां भी एन फैक्टर 2 आएगा। ये देखो, यानी क्या इस केस में I2 का n फैक्टर दोनों में 2-2 है, इसलिए हमने दोनों बराबर कर दिए। लेकिन ऐसा हमेशा हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए इफ n फैक्टर ऑफ द रिएजेंट इज डिफरेंट इन different reaction, then millimoles will be equal in both reaction. Millimoles will be equal in both the reaction, not milliequivalent. ये देखो, यानी अगर किसी रिएजेंट का n फैक्टर दोनों रिएक्शन में डिफरेंट आता है तो हम मिलीमोल्स बराबर करेंगे, मिलीइक्विवेलेंट बराबर नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसमें कैसे समझा जाए, देखिए, मान लीजिए कि आपके पास FeCl3 है जिसका परसेंटेज प्योरिटी आपको निकालना है। सो इस टाइट्रेशन तो वही ऐड हो KIXS और इसका रिएक्शन कराए तो ये मिला आपको FeCl2 KCl और I2, और ये जो I2 बनी इसका रिएक्शन हमने कराया KMnO4 से, जिससे मिला KIO3 और Mn+2, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है तो इसके एक्स मिली इक्विवेलेंट आपके पास है। मान लीजिए, निकाल लीजिए। अब देखिए, यहां 0 है, 0 से यहां +5 जा रहा है तो इसका एन फैक्टर 10 है, 0 से 5 5 I2 है 10,
अच्छा, इसका एन फैक्टर 2 है, इसका मतलब दोनों के मिलीक्वेंट बराबर नहीं होंगे। जनरली लोग क्या करते हैं, इसके निकाले, इसके बराबर किए, इसके बराबर किए, इसके बराबर किए, आंसर आ गया, गलत हो जाएगा। देखो यानी क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, मिलीक्वेंट ऑफ आई टू इन सेकेंड रिएक्शन इक्वल टू एक्स होंगे। क्यों, इसके तो इसके बराबर ही होंगे हमेशा, एक रिएक्शन में तो हमेशा बराबर होंगे। अब इसके एक्स देखो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ आई टू इन फर्स्ट नॉट इक्वल टू एक्स, इसको मान लीजिए फर्स्ट है और इसको मान लीजिए सेकेंड है। चेक करो, जो इसके एक्स है वो ऊपर वाली के बराबर नहीं होंगे भाई, ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। ठीक, तो इसका मतलब क्या करें, मिली मोल्स ऑफ आई टू इन फर्स्ट इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट बाय एन फैक्टर। अब क्या होगा, मिली मोल्स ऑफ आई टू इन सेकेंड इक्वल टू एक्स बाय 10 ही होगा, मिली मोल्स हमेशा बराबर रहेंगे। अब देखो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ आई टू इन सेकेंड इक्वल टू एक्स बाय 10 इनटू इसका एन फैक्टर, यानी इस आई टू के मिली इक्विवेलेंट आ गए एक्स बाय 5। अच्छा, इसके बराबर तो इसके बराबर हो गए, यानी दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeCl3। ये लो, और एक बार मिली इक्विवेलेंट FeCl3 के आ गए तो उसका वेट परसेंटेज जो आपको निकालना है आप निकाल सकते हैं। क्या कहानी समझ में आई, कोई डाउट हो तो बोलिए, क्लियर है भाई, देख लीजिए। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। पढ़ना है अपने को, अब क्या पढ़ना है अपने को, परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। इसको निकालने का सेट तरीका है, क्या करते हैं कि आपके पास जो भी सैंपल दिया है ब्लीचिंग पाउडर का COCl2, इसका रिएक्शन हम एसिड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, एसिड के, एसिड के साथ कराते हैं। तो सबसे पहले मिलता है सॉल्ट ऑफ कैल्शियम प्लस वाटर प्लस Cl2, ये पहला स्टेप होता है। जैसे मान लीजिए आपने CaOCl2 का रिएक्शन H2SO4 से करा दिया, जब आपने CaOCl2 का रिएक्शन H2SO4 से कराया तो देखिए क्या मिला होगा, CaSO4, इसके बाद मिलेगा आपको वाटर एंड देन Cl2। इसकी जगह आप कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं, एसिटिक एसिड, HCl, कोई भी एसिड, क्लियर। अब ये जो Cl2 आपको मिला, इसका हम क्या कराएंगे पता है आपको, आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। कैसे, Cl2 का रिएक्शन कराइएगा KIXS से, जिससे मिलेगा KCl और I2, और इस I2 का टाइट्रेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, ये स्टैंडर्ड है, जिससे NaI Na2S4O6 मिला। सो आप पूरे प्रोसेस समझिए क्या होगा, इसके मिलीक्वेंट अपने को पता होंगे, जब इसके मिलीक्वेंट पता होंगे तो इसके पता होंगे, इसके पता होंगे तो इसके पता होंगे, इसके पता होंगे तो इसके, सब लाइन से चलता जाएगा। अब क्या वही कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर एक से ज्यादा रिएक्शन यूज हो रहा हो, यहाँ यूज हो रहा है, चेक करो, पहला तो आपका I2 ही यूज हो रहा है। देखो आप पहले देखोगे तो पहले तो आपको क्या यूज हो रहा है, I2। अगर आप ये देखो कि I2 यहाँ देखो और यहाँ देखो और Cl2 भी देखो, यानी Cl2 भी दो जगह यूज हो रहा है और I2 भी दो जगह यूज हो रहा है, तो दोनों के n फैक्टर पे नजर होगी। देखिए इसके मान लीजिए आपको एक्स मिलीक्वेंट पता है, पता कैसे होंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड है, मोलैरिटी वॉल्यूम दोनों पता होगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा एक्स मिलीक्वेंट। क्या इसके एक्स मिलीक्वेंट आएंगे,
एक रिएक्शन में हमेशा बराबर। अब देखिए इसका आप n फैक्टर निकालिएगा तो 2 आएगा, क्यों? 0 से माइनस 1 चेंज आएगा 1 का, और I2 है तो 2 का, तो n फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? 2। अच्छा, इस ऊपर I2 में देखिए यहाँ 0 है, यहाँ माइनस 1 है, तो 0 से माइनस 1 चेंज आएगा 1 का, I2 है तो इसका भी n फैक्टर 2 हो गया। क्या इन दोनों का n फैक्टर 2 है? इसका मतलब अगर x मिली इक्विवेलेंट हैं तो इसके भी x मिली इक्विवेलेंट होंगे। पहले बताओ समझ में आई बात? अच्छा, अब वापस आते हैं। अगर इसके x हैं तो इस Cl2 के x मिली इक्विवेलेंट हो गए। एक रिएक्शन में हमेशा बराबर होते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यानी इस Cl2 के x मिली इक्विवेलेंट आ गए, क्या अब इस Cl2 के x मिली इक्विवेलेंट होंगे? अब ये समझिए, यानी अपने को इसमें क्या निकालना पड़ेगा? Cl2 का n फैक्टर। यहां पे आप देखो 0 से माइनस 1, तो इस Cl2 का जो n फैक्टर है वो 2 है। लेकिन क्या इस Cl2 का n फैक्टर, इस Cl2 का n फैक्टर क्या है? इस Cl2 का n फैक्टर क्या है? बातें समझिए, इसका n फैक्टर है 1। क्यों 1 है? क्योंकि हो क्या रहा है, यहां Cl2 0 में है। देखो रिएक्शन एक समझ लीजिए, ये रिएक्शन है, ये देखिए Cl2 वापस जाएगा तो CaOCl2 में, तो यहां पे जो CaOCl2 है उसका फॉर्मूला ये होता है, पिछली क्लास में भी आपको बताया गया था, ये देखिए। और ये अगर ब्रेक करता है तो Ca प्लस 2 OCl माइनस एंड देन Cl माइनस, यानी इसमें जो दो Cl हैं, एक का माइनस 1 है और एक का प्लस 1 है, इसका मतलब 0 से माइनस 1 रिडक्शन, 0 से माइनस प्लस 1 ऑक्सीडेशन, यानी ये वापस डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। तो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन का जो फार्मूला लगाइएगा उससे n फैक्टर 1 आएगा। यानी उसके x मिली इक्विवेलेंट है तो इसके x मिली इक्विवेलेंट नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो यहां से आप देखो कि ये जो Cl2 है, ये वाला Cl2, इसके x बाई 2, इसका n फैक्टर 2 है तो x बाई 2 मिली मोल्स आएंगे। अच्छा, x बाई 2 मिली मोल्स, तो क्या इसके भी x बाई 2 मिली मोल्स आए? बोलो, अब आप कर सकते हो। x बाई 2 मिली मोल्स आए, CaOCl2 भी x बाई 2 मिली मोल्स आ जाएंगे। अपने को तो Cl2 का परसेंटेज निकालना था ना, यहीं से निकाल लो। x बाई 2 मिली मोल्स आ गए, तो देखो मोल्स ऑफ Cl2 आ जाएगा आपका x बाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, वेट आ जाएगा x बाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 71। ये देखो क्लियर, परसेंटेज कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे? वेट ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इंटू 100। ये देखो समझ में आया? तो यहां से परसेंटेज ऑफ Cl2 इन CaOCl2 इज इक्वल टू x बाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 71 डिवाइडेड बाई W इंटू 100। ये 100 बाई ध्यान रखना, यानी x बाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 71 डिवाइड बाई W इंटू 100। W क्या है? वेट ऑफ CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का वेट। क्या परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन समझ में आया? कैसे निकालना है देख लो, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है भाई? तो ये जो है परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन, आपको समझ में आया कि परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन जो है ब्लीचिंग पाउडर में कैसे निकालते हैं? क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है?
इसमें भी क्वेश्चन आता है। अब अपन बात करते हैं आगे, डबल डबल इंडिकेटर, डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। सो डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन क्या है? देखिए डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन में क्या होता है, हमें इसमें दो प्रकार के इंडिकेटर मेनली पढ़ने होते हैं, एक होता है फिनोफ्थलीन और एक होता है मिथाइल ऑरेंज। इंडिकेटर क्या है आपको बता दिया गया था, इंडिकेटर बेसिकली एंड पॉइंट डिटेक्ट करता है। हर इंडिकेटर का एक फिक्स्ड पीएच होता है जिसमें वो अपना कलर चेंज करता है, हर मीडियम में उसका अलग अलग कलर होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं फिनोफ्थलीन की, थोड़ा सा इंडिकेटर की बात कर लें फिर बताते हैं टाइट्रेशन क्या होता है। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन जो होता है आप समझिएगा कि क्या है फिनोफ्थलीन, कैसे कैसे इसका पीएच रेंज 8-10 होता है। क्या होता है पीएच रेंज 8-10। इट इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड। क्या है? इट इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड। तो देखिए होता क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये है फिनोफ्थलीन। और ये जो है, जब OH- यानी बेस से रिएक्शन करता है तो ये आगे जाता है और H+ से आता है तो ये पीछे आ जाता है। तो ये जो देख रहे हो आप, ये एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है और ये कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। जब OH- से रिएक्शन होती है तो ये इसमें चेंज हो जाता है और ये पिंक कलर का होता है और ये बेसिक मीडियम में ऐसा होता है। बेसिक मीडियम में अब एग्जैक्टली में अगर हम बात करें, देखो पिछले साल जेई मेन में क्वेश्चन आया था, कलर पूछा था कि कौन से कलर जाता है। पिछले साल फिर जेई मेन में क्वेश्चन आया, उसमें मिथाइल ऑरेंज का रिएक्शन लेके कपलिंग रिएक्शन एरोमेटिक की पूछ लिया, तो पूछता तो है, इंडिकेटर तो पूछ रहा है। अब एग्जैक्टली में आपको क्या होता है कि फिनोफ्थलीन के दो ही कलर पता होते हैं, कलरलेस और पिंक, जबकि इसके और भी कलर होते हैं। अच्छा अब और कलर कौन कौन से हैं ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, If pH अगर less than equal to zero, pH क्या हो, less than equal to zero। अब बोले कि less than zero तो होता ही नहीं pH, सही बात है, less than zero नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर आप pH is equal to minus log of H plus से निकालें, वहां से negative आ रहा हो, इसका मतलब ये तभी होगा जब बहुत ज्यादा acidic medium होगा, यानी strong acidic medium। इसका मतलब हुआ ये बात हो रही है स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम की। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, और जब ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होता है तो देखना किस कलर का होता है, कैसे दिखता है आपको, ये इस तरह का होता है, और ये जो है ऑरेंज कलर का होता है। क्लियर? ये किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। देखो यानी ये आ गया दूसरा, इफ पीएच ग्रेटर देन इक्वल टू 12। पीएच ग्रेटर देन इक्वल टू 12 का मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक।
स्ट्रॉन्ग बेसिक। अच्छा आपको क्या पता है कि बेसिक मीडियम में कलर क्या होता है? पिंक, सबको पता है। लेकिन अगर पीएच का वैल्यू ये हो, ग्रेटर देन 12 हो, देखना ध्यान से, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा पहले ये देखो। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसका कलर अब कुछ लोग ये कैसे हो गया भाई, होता है ये कलरलेस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कलरलेस जो है दो तरह से होता है, एक एसिडिक मीडियम में भी होता है और एक स्ट्रॉन्ग बेसिक में भी होता है। अच्छा ये हुआ कि यार इसका फिर पीएच क्या होता है, तो इसका पीएच होता है 0 to 8 में। अगर पीएच 0 to 8 है तो ये एग्जिस्ट करता है और कलरलेस होता है। ये पीएच जो होता है ये 8 to 12 तक होता है। ये देखो अलग अलग पीएच पे फिनोफ्थलीन के अलग अलग कलर होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देख लो, कुछ नया मिला? कुछ तो नया मिला ही होगा। देखो कहानी क्लियर हुई। अब हम लोग अगला इंडिकेटर की बात करेंगे, मिथाइल ऑरेंज। सो मिथाइल ऑरेंज की अगर बात करें, दूसरा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। अभी वो मिथाइल ऑरेंज क्या है तो देखिए, ये देखिए NMEMI, ये है मिथाइल ऑरेंज और ये है बेसिक मीडियम में और ये होता है येलो। देखिए जब ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो ये चेंज होता है मिथाइल का मतलब CH3 ये देखिए ये है एसिडिक मीडियम और कलर होता है इसका रेड। ये देखिए पिछली बार जेई मेंस में यही क्वेश्चन था कि क्या किया था कि दो ऑर्गेनिक की एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन लेके मिथाइल ऑरेंज बना लिया था और बोला था कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये कहाँ यूज होता है, तो कहाँ यूज होता है? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में। ये आंसर था उसका। क्लियर हो गया? तो ये समझ में आया आपको कि भाई ऐसा ऐसा होगा। अब हम लोग जो है, ये तो इंडिकेटर के बारे में बात हो गई। अब ये हुआ कि यार डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन होता कैसे है, क्या उसमें क्राइटेरिया होता है, कैसे टाइट्रेशन होता है? तो देखिए ये अपन लेते हैं फ्लास्क और इसमें बेस इस तरह के रखते हैं NaOH, Na2CO3, NaHCO3, मेनली इस तरह के बेस होते हैं NaOH, Na2CO3, Na सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, KOH भी हो सकता है। और ऊपर से यहाँ ब्यूरेट से मिलाते हैं आप HCl यानी एसिड, कोई जरूरी नहीं कि HCl, एसिड। और इसमें पड़ा होता है इंडिकेटर। अब कौन सा इंडिकेटर होगा वो अभी बात करते हैं। क्या कहानी समझ में आई? अब देखो, अब ऐसे सोचो
कि अगर ये कहा जाए कि ध्यान सुनिएगा, अगर अपन ये कहें कि यार इसका कलर मान लो इटाइटेशन इसी तरह बना दिया जाए और कहा जाए इसका कलर कहाँ से कहाँ चेंज होगा, तो आपको कहेंगे कि यार ये बेसिक है, पहले बेसिक मीडियम इंडिकेटर पढ़ा है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप क्या कहेंगे कि बेसिक मीडियम इंडिकेटर पढ़ा है इसका मतलब पिंक रहा होगा, ऊपर से एसिड मिला रहे हो इसका मतलब पिंक से कलरलेस हो जाएगा, जबकि आंसर उल्टा है। पहले क्या था? कलरलेस, बाद में हुआ पिंक। उल्टा कैसे हो गया भाई? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है? फिनोफ्थलीन। अगर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है, अगर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है तो, अगर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है तो इसका कलर क्या होगा? कलरलेस टू पिंक, ध्यान रखना। अब ध्यान से कैसे होता है, अब इसमें केस बनाना पड़ेगा। केस पहला, फर्स्ट, इफ फिनोफ्थलीन इज यूज्ड एज इंडिकेटर, क्लियर? इफ फिनोफ्थलीन इज यूज्ड एज इंडिकेटर, अगर आप फिनोफ्थलीन को इंडिकेटर की तरह यूज करते हो तो क्या होगा? तो देखो, सबसे पहली रिएक्शन होगी HCl की NaOH के साथ। क्यों ऐसा? स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ पहले रिएक्ट करेगा और NaCl और वाटर बनाएगा, यानी NaOH पूरी तरह से खत्म हो गया। फिर वापस HCl और डालोगे ब्यूरेट से, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है HCl का, तो Na2CO3 से रिएक्शन करेगा तो इससे मिल जाएगा ये, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब HCl Na2CO3 से रिएक्ट किया तो NaSCO3 बना और NaCl का फॉर्मेशन हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हुआ क्या कि देखो, जैसे NaSCO3 अभी पड़ा है पहले से और NaSCO3 बन के आ गया, और NaSCO3 होता है एम्फोटेरिक सॉल्ट। क्या होता है? एम्फोटेरिक सॉल्ट। अगर ये एम्फोटेरिक सॉल्ट होता है तो देखो, पहले पीएच रहा होगा 12 के 13 के आसपास स्ट्रॉन्ग बेस है, और एम्फोटेरिक सॉल्ट का पीएच होता है 1/2 PK1 + PK2, तो आप देखिएगा इसका पीएच लगभग जो है 8-9 के आसपास, 9-10 के आसपास आ जाता है। इसका मतलब 8-12 वाली कहानी होल्ड कर जाती है और वो पिंक हो जाता है, यानी पहले कलर था, कलरलेस था और पिंक हो गया, तो हमें लगा कि एंड पॉइंट आया, हमने ब्यूरेट से अपना बंद कर दिया। यानी इस केस में याद रखना है कि अगर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट पे रिएक्शन ऐसा लगेगा कि रुक गई, अब नहीं होगी। क्यों? कलर चेंज हो गया तो अपने एक्सपेरिमेंट को रोक दिया। यानी इस केस में जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl होंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl ये बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। NaSCO3 रिएक्ट नहीं किया, ध्यान रखना। अच्छा एक बात और, यहां Na2CO3 का n फैक्टर 1 होगा, Na2CO3 का n फैक्टर 1 होगा। क्यों? क्योंकि Na2CO3 ने एक ही H लिया है। अगर ये दो H लेता तो n फैक्टर 2 होता, लेकिन एक ही H लिया है इसलिए n फैक्टर इसका 1 हुआ। क्या कहानी समझ में आई? इसका मतलब कि यहां पे इसका n फैक्टर 1 लेना है, ध्यान रखना। अगर हम इसको, क्योंकि अपने रटा होता है कि यार Na2CO3 का n फैक्टर 2 होता है, तो इसका तरीका है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। ये देखो, अगर आप इस तरह लिख देते हैं 1/2 मिलीक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, तो आप इसका n फैक्टर 2 ले सकते हैं। n फैक्टर यहां 1 था, क्यों? क्योंकि आप हाफ यूज कर लिए तो n फैक्टर 2 ले सकते हैं। ये एक तरीका है। क्यों? क्योंकि अपन याद रखते हैं कि Na2CO3 ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज नहीं होता, वो बीच में रुक जाता है NaSCO3 में। तो फिनोफ्थलीन के केस में आप इसको 1/2 मिलीक्विवेलेंट Na2CO3 लिख दीजिए और n फैक्टर 2 लिख दीजिए। यह है फिनोफ्थलीन के साथ।
कहानी क्लियर हो रही है? पहले बताओ समझ में आ रहा है? अब दूसरा केस क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आप इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज लेते, यानी सेकेंड पॉइंट होगा कि इफ MEOH को मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं, ध्यान रखना, इफ MEOH इज यूज्ड एज इंडिकेटर, इफ MEOH इज यूज्ड एज इंडिकेटर, अगर मान लीजिए MEOH को इंडिकेटर की तरह हम लेते तो क्या होता? देखिए HCl का रिएक्शन NaOH से होता, NaCl वाटर बनता यानी NaOH पूरी तरह से खत्म हो जाता, 2HCl Na2CO3 रिएक्ट करता, 2NaCl वाटर CO2 बनता। इसका मतलब Na2CO3 पूरी तरह से खत्म हो जाता। तीसरी रिएक्शन होती HCl की रिएक्शन NaHCO3 से होती, जिससे मिलता NaCl वाटर CO2। इसका मतलब ये भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता। इसका मतलब हुआ कि इस केस में मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl होगा वो बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3। और क्योंकि पूरा रिएक्ट कर रहा है तो इसमें बेहिचक इसका एन फैक्टर आप 2 ले सकते हैं, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है कि ये रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, MEOH के साथ सारा रिएक्ट करेगा। देख लीजिए दो एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गए। दो एक्सपेरिमेंट का मतलब एक बार आपने बिगिनिंग से फिनोफ्थलीन इंडिकेटर लिया और दूसरे में आपने बिगिनिंग से मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लिया। अब जो तीसरा केस बनता है वो और इंटरेस्टिंग है, थर्ड केस। थर्ड केस क्या है समझो कि आपके पास NaOH Na2CO3 NaCO3 सब पड़ा था, पहले हमने उसमें फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाला, ऊपर से HCl डाला, टाइट्रेट किया, NaOH पूरी तरह खत्म हो गया, Na2CO3 NaCO3 में रुक गया और एंड पॉइंट आ गया। यानी आपके पास मिक्सचर में क्या क्या है? NaCO3 कौन सा? दो प्रकार का, एक जो पहले से पड़ा था वो तो पड़ा ही था, और जो Na2CO3 NaHCO3 में बन के आया वो भी पड़ा हुआ है। यहां तक एंड पॉइंट आ चुका है। अब अपन क्या करते हैं कि उस बीकर में MEOH मिलाते हैं और फिर से टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। यानी कि थर्ड केस ये है कि इफ MEOH इज एडेड, इफ MEOH इज एडेड आफ्टर द फर्स्ट एंड पॉइंट ऑब्टेंड फ्रॉम HPH, HPH मतलब फिनोफ्थलीन। यानी फिनोफ्थलीन के साथ फर्स्ट एंड पॉइंट आने के बाद MEOH मिला के फिर से टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। यानी क्या जब फिनोफ्थलीन अपन मिला चुके हैं, टाइट्रेशन कर चुके हैं, तो इसमें जो है NaHCO3 एक तो ओरिजिनल पड़ा है जो पहले से अपन ने डाला था, प्लस NaHCO3 प्रोड्यूस्ड होगा, प्रोड्यूस्ड कौन सा है? जो Na2CO3 कन्वर्ट हुआ है। अब इसमें आपने HCl फिर से डालना स्टार्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ MEOH इंडिकेटर, तो क्या रिएक्शन होगी समझो? जो HCl है वो NaHCO3 से रिएक्ट करेगा और बना देगा NaCl वाटर CO2। यानी इस केस में जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl है वो पता क्या होगा? बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 ओरिजिनल
प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 प्रोड्यूस्ड। देखिए यानी NaHCO3 जो पहले से पड़ा था और प्लस मिली इक्विवेलेंट NaHCO3 जो बन के आया। अच्छा बन के कितना आया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 ओरिजिनल प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड कितना होगा? जितना पहले केस में फिनोक्सिलीन वाले केस में Na2CO3 रिएक्ट किया होगा क्या उतना ही तो NaHCO3 बन के आया होगा? अच्छा रिएक्ट कितना किया था याद करो, तरीका बताए थे याद आ रहा है? ये देखिए ये है पूरी थ्योरी डबल इंडिकेटर टाइटेशन की, बट थ्योरी से कुछ नहीं होता। थ्योरी से आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको न्यूमेरिकल करने पड़ते हैं। देखते हैं करते हैं कुछ, नोट कर लीजिए पूरी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। अब जरा बात समझिए, करना क्या है कि अब क्वेश्चन समझिए। तो बस देखो थ्योरी का क्या याद रखना है कि अगर आप फिनोक्सिलीन इंडिकेटर लेते हैं तो NaOH या KOH जो स्ट्रॉन्ग बेस पूरी तरह खत्म, Na2CO3 NaHCO3 पर रुक जाता है, उसके बाद रिएक्शन नहीं करता। और NaHCO3 अगर पड़ा है तो फिर कोई रिएक्शन नहीं इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोक्सिलीन इंडिकेटर। अगर आप मिथाइल ऑरेंज लेते हो सबको रिएक्ट कर देता, सब खत्म। समझ में आ गया? बस दो ही चीजें याद करनी है। सो अगर क्वेश्चन आया ML सॉल्यूशन कंटेन्स NaOH एंड Na2CO3, क्लियर फुल स्टॉप। द सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद 19.5 ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl यूजिंग फिनोक्सिलीन इंडिकेटर। ये देखो करंट 25 ml सोल्यूशन कंटेन्स NaOH एंड Na2CO3। सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद 19.5 ml 1 नॉर्मल HCl यूजिंग फिनोक्सिलीन इंडिकेटर। क्लियर है फुल स्टॉप। द सेम स्टार्टिंग सॉल्यूशन इज ट्राइट्रेटेड विद 25 ml 1 नॉर्मल HCl यूजिंग MeOH इंडिकेटर। समझिएगा, डिटरमाइन द वेट ऑफ NaOH एंड Na2CO3 इन ग्राम पर लीटर। ये देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, करेक्ट 25 ml सॉल्यूशन कंटेन्स NaOH Na2CO3। द सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद 19.5 ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl यूजिंग फिनोक्सिलीन इंडिकेटर।
द सेम स्टार्टिंग सोल्यूशन, सेम स्टार्टिंग सोल्यूशन मतलब 25 ml इज अ टाइट्रेटेड विद 25 ml वन नॉर्मल HCl यूजिंग MeOH इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज डिटरमाइन दिस. देखिए सोल्यूशन, पहला केस HPH के साथ, HPH मतलब फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के साथ. तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के साथ जब आप HCl मिलाए होगे तो हुआ क्या होगा पहले समझो. जब HCl मिलाए NaOH को पूरी तरह खत्म कर देगा, और जो Na2CO3 है याद करो फिनोफ्थलीन के प्रेजेंस में क्या होता है, Na2CO3 NaHCO3 में रुक जाता है. यानी इस केस में अगर ये लिखना आपको आ गया मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस 1/2 मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3. ये देखो अगर आपको ये लिखना आ गया ना तो समझ लो क्वेश्चन हो गया. देख लीजिए, अच्छा कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपके पास सोल्यूशन में क्या है भाई, आपके पास है NaOH एंड Na2CO3 दो हैं, तो इसका क्या कर लीजिए, A मिली इक्विवेलेंट मान लीजिए, इसका B मिली इक्विवेलेंट मान लीजिए, बहुत आसान हो जाता है. सो यहां से आप देखो 19.5 ml 1 इक्वल टू आप लिखिएगा A प्लस बी बाई टू फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर. सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी ये देखो, सेकेंड कब, जब MeOH के साथ रिएक्शन हुई. अच्छा MeOH के साथ बीच में नहीं डाले, स्टार्टिंग का फिल लेके MeOH से टाइट्रेट की हो. यानी इस केस में मिली इक्विवेलेंट ऑफ जो HCl होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, और ये होगा 25 × 1, यहाँ होगा A प्लस बी. चेक करो सेकेंड, दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए. तो यहाँ से 19.5 है ना, तो कितना जाएगा 5.5 इक्वल टू बी बाई टू. चेक करो सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दिए, तो यहाँ से B का वैल्यू 11 आ जाएगा, और यहाँ अगर B का वैल्यू 11 रख देंगे तो A का वैल्यू 14 आ जाएगा. यानी आपको पता क्या करना है, हर क्वेश्चन में इस तरह A B मानो और हर क्वेश्चन में A और B निकाल लो, और जब आप A और B निकाल लोगे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा जिसका आंसर निकालना बहुत आसान होगा. सो A और B निकालने के बाद की कहानी समझते हैं कि A और B निकाले तो फिर क्या करेंगे. अगर आपने A और B निकाल लिया तो देखिए A क्या था, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तो यहां से क्या आ गया, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH का वैल्यू आ गया 11 मिली इक्विवेलेंट, NaOH का इनफैक्ट 1 है तो मिली मोल्स आ जाएगा 11/1, तो मोल्स ऑफ NaOH आ जाएगा 11 × 10⁻³. सो वेट ऑफ NaOH आ जाएगा 11 × 10⁻³ × 40. सो ये लेकिन ये जो NaOH का वेट आया ये बिगिनिंग के सोल्यूशन 25 ml में आया, और क्वेश्चन में पूछा था ग्राम पर लीटर. तो यानी क्या निकालिएगा, वेट ऑफ NaOH इन 1 L सोल्यूशन इक्वल टू क्या लिखिएगा पता है, 11 × 10⁻³ × 40 दिस डिवाइड बाय 25 × ये देखिए निकाल लीजिएगा, क्लियर. सॉल्व कर लेंगे ना, सॉल्व कर लेंगे तो इसमें वेट आ जाएगा. इसी तरह देखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इक्वल टू है 14. B का वैल्यू गड़बड़ हो गया क्योंकि NaOH का हमने A माना था ना, तो NaOH का तो 14 था, तो 11 की जगह क्या लिखना है,
14, ठीक है, कोई सॉल्व नहीं किया इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होगी। ये लो, ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 11। चेक करो भाई B का वैल्यू कितना है Na2CO3 का 11, क्लियर। सो मिलीमोल्स ये आ जाएगा 11/2। ध्यान रखना भाई 2 क्यों, Na2CO3 का फैक्टर 2 लेना है क्योंकि हम 1/2 का फैक्टर यूज किए थे। तो मोल्स आएंगे 11/2 × 10⁻³। तो वेट आएगा 11/2 × 10⁻³ इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट 106। सो वेट ऑफ Na2CO3 पर लीटर निकालना है, तो ये कैसे निकालिएगा, ये जो वेट आया है ना ये 25 ml में है, तो 11/2 × 10⁻³ × 106/25 × 1000 ग्राम। समझ में आया, देख लीजिए इस तरह जो है डबल इंडिकेटर का क्वेश्चन होगा। यानी अगर आपको डबल इंडिकेटर ए और बी मान के पूरी 3 इक्वेशन बनाना आती है तो बहुत आसान सा हो जाता है। नोट कर लीजिए, क्लियर। क्लियर भाई, देख लीजिए कोई डाउट हो तो बोलिए। क्लियर, तो ये बात समझ में आ गई कि भाई कैसे कैसे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ तक बात क्लियर। अब अगर आगे बात करें कि भाई और क्या हो सकता है, तो देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। ट्वेंटी फाइव एम एल सल्यूशन contains Na2CO3 and NaOH, वही क्वेश्चन ही दूसरा टाइप है। देखो the solution is titrated with 25 ml 1 molar HCl using HPH indicator. HPH मतलब phenolphthalein. देखो आप समझना, टाइट्रेशन किया मिला दिया ऐसा हो गया। क्लियर है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट हो तो बोलो, पक्का ना। अब देखो एक बात समझो, अब कह रहा है MeOH इज एडेड एंड सल्यूशन रिक्वायर्स एंड द सल्यूशन रिक्वायर्स 15 ml ऑफ सेम एसिड, 15 ml ऑफ सेम एसिड फॉर द एंड पॉइंट। डिटरमाइन वेट ऑफ Na2CO3 एंड NaOH। चेक करो अब इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या फर्क है, ये समझिए। अगर आप इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में फर्क सोचेंगे ना, तो फर्क क्या है,
फर्क यह है कि उसमें हमने पहले फिनोफ्थलीन से टाइटेशन किया, फिर पूरा टाइटेशन MUH से रिपीट किया। यहाँ पे क्या है, पहले फिनोफ्थलीन से टाइट किया, जो सोल्यूशन आया उसी में MUH मिला दिए, यानी ये केस थर्ड का क्वेश्चन है, देख लीजिए। सो सबसे पहले आप क्या करो, Na2CO3 NaOH आपके पास है, इसका मानिए A मिली इक्विवेलेंट, इसका मानिए B मिली इक्विवेलेंट, जो आपको हमने सिखाया। अब जब HCl के पहला केस क्या, फिनोफ्थलीन के साथ जब टाइट्रेशन हुआ तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या लिखिएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ये देखो, यानी इस केस में आएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 25 × 1 HCl का और इक्वल टू NaOH का कितना माने हैं भाई, बी प्लस ए बाई टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब आपने इसमें MeOH इज एडेड, जब MeOH को मिला दिया तो देखो पहले ही टाइट्रेशन में NaOH तो पूरी तरह खत्म हो गया है और जो Na2CO3 है वो चेंज हो गया है NaHCO3 में। तो जब आप MeOH मिलाओगे और ऊपर से HCl मिलाओगे तो जो HCl है वो किससे रिएक्शन करेगा, NaHCO3 से, यानी ये रिएक्शन अब ये वाली होगी। ये देखिए, ये रिएक्शन होने वाली है, यानी इस केस में जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl है ना वो बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 क्या प्रोड्यूस्ड, क्योंकि था नहीं बन के आया है। अच्छा, बन के कितना आया है, जितना Na2CO3 पहले केस में रिएक्ट किया होगा उतना ही तो बन के आया था। और ये कितना रिएक्ट किया था पहले केस में, याद करो, ये कितना है 15 × 1 और ये कितना है, Na2CO3 का क्या माने थे अपन, ए बाई टू, चेक करो तो ए का वैल्यू 30 आ गया, ए का वैल्यू देखो 30 आ गया, और पहली क्वेश्चन में अगर रख दोगे ए बाई टू 15 तो बी का वैल्यू 10 आ गया। क्या ए और बी आ गया, अब खत्म हो गया, वेट निकालना है, पर लीटर भी नहीं निकालना है तो डायरेक्ट वेट पूछा है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, यहां बता देते हैं, वेट ऑफ Na2CO3 इक्वल टू, देखो मिली इक्विवेलेंट कितना माने थे, ए बाई टू इसका मिलीमोल हो जाएगा, इंटू 10^-3 इसका क्या हो जाएगा मोल, इंटू इसका मॉलिकुलर वेट 106, ए का वैल्यू रख दोगे आंसर आ जाएगा। इसी तरह वेट ऑफ NaOH जो होगा वो आ जाएगा B/1 उसका n फैक्टर, मिली मोल्स इंटू 10^-3 मोल्स इंटू मॉलिकुलर वेट 48। क्या ए और बी का वैल्यू तो रखना है, रख दो, आंसर आ गया, बताओ भाई समझ में आया। तो ये है टाइट्रेशन, बहुत कुछ है नहीं भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो जिससे रिएक्ट कर रहा है बराबर करते चलो, आंसर आता जाता है। क्या भाई क्लियर, देख लो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800-2121-799।